जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आज का जो हमारा ये सेशन है, ये लॉ गेट के हवाले से दूसरा सब्जेक्ट है जिसमें हम स्टार्ट करने जा रहे हैं सिविल प्रोसीजर कोड CPC 1908। 20 नंबर का आपके ये सब्जेक्ट है, 20 MCQs इनसे बनाए जाते हैं और ये वो सब्जेक्ट है सिलेबस के हवाले से भी और पढ़ने के हवाले से भी जिसमें आप 20 में से 20 MCQs इजीली कंफर्ट रह के अटेम्प्ट कर सकते हैं और 100% कर सकते हैं। बहुत ही ईजी है अचीव करने के लिए। तो सबसे पहले सिविल प्रोसीजर कोड, तो आपने सिविल लॉज तो बहुत सुने होंगे, अगर ये क्या चीज है सिविल प्रोसीजर कोड। जब भी आपको किसी भी सिविल नेचर का कोई भी ग्रीवेंस होता है तो उसके लिए जो भी आपके डैमेजेस वगैरह जो भी क्लेम करने जाते हैं उसके लिए जो तरीकेकार है वो हमेशा सिविल प्रोसीजर कोड में, जैसे क्रिमिनल केसेस का जो प्रोसीजर है CRPC में, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में बयान किया गया है। तो जो रास्ता आपने अख्तियार करना है कि जो स्टेजेस कहाँ कहाँ जाना है, क्या क्या करना है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स, कौन कौन से बंदे, कौन कौन से कोर्ट में, ये पूरे का पूरा जो तरीकेकार है वो सिविल प्रोसीजर कोड में डिफाइन किया गया है। और ये जो लॉ है ये 1908 इसको जो प्रोमल्गेट किया गया था वो किया गया था 21 मार्च 1908। इसकी जो प्रोमल्गेशन डेट है और इसकी जो कमेंसमेंट डेट है वो दोनों डिफरेंट है। मतलब जो लॉ था इसको लाया गया या पास किया गया वो 21 मार्च 1908 को, और जो इसको इन्फोर्सबिलिटी मिली है वो है 1 जनवरी 1909। तो ये जो इसका इंट्रोडक्टरी पार्ट है या इसका जो नाम है ये MCQs में आ सकता है, द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर वाज एनफोर्स्ड ऑन डेश। तो इसका ये जो डेट है ये एज MCQs आपका आ सकता है, और ये 1 मार्च 1908 ये भी आपका MCQs तौर पे आ सकता है। तो जैसे पहले हमने जिक्र किया है कि हमेशा जो सेक्शन 1 होता है वो 3 चीजें हमें बताता है। नंबर 1 टाइटल, नंबर 2 कमेंसमेंट, नंबर 3 एक्सटेंट। तो इसका जो टाइटल है वो है सिविल प्रोसीजर कोड, सिविल प्रोसीजर कोड 1908। It came into force months. It extends to whole of Pakistan. तो इसका जो सेक्शन 1 है वो हमें 3 चीजों के बारे में बताता है। नंबर 1 उसका शॉर्ट टाइटल, जो इस लॉ के तहत इस लॉ के तहत जो नाम रखा गया है इस कानून का वो है सिविल प्रोसीजर कोड 1908। और कभी कभी ऐसे होते हैं कि कुछ लॉज जो है ना उनका कुछ हिस्सा पहले रखा जाता है या कुछ जो हिस्सा होता है वो पहले लाया जाता है, कुछ उसकी जो लेजिस्लेशन है वो बाद में की जाती है, लेकिन ये ओवरऑल लॉ जो है ना एक ही बार बनाया गया था और इसको जो है ना एक ही बार इम्प्लीमेंट किया गया था, और इसकी जो एक्सटेंट है जो एप्लीकेबिलिटी है वो ऑल ओवर पाकिस्तान है। तो ये था सेक्शन 1 कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर का, और इसमें 2 चीजें इसकी इन्फोर्समेंट डेट और इसका जो प्रोमल्गेशन डेट है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये एज ए MCQs आपके बन सकते हैं। और उसके बाद है इसका सेक्शन 2 जो कि है डेफिनेशन क्लॉज, सेक्शन 2 तो कुछ ऐसे टर्म्स और कुछ ऐसे वर्ड्स दिए गए होते हैं जिनकी एक्सप्लेनेशन उसी लॉ के तहत की गई है, और जो एक्सप्लेनेशन डेफिनेशन क्लॉज में की गई होती है वही मीनिंग वही सेंस जो है ना वो पूरी की पूरी इनेक्टमेंट में कंसीडर की जाती है। तो सबसे पहले 3 वर्ड्स हैं हमारे पास जो CPC की डेफिनेशन क्लॉज में जो इंटरलेट भी करते हैं और मोस्ट इंपॉर्टेंट भी है।
नंबर वन डिक्री, नंबर टू ऑर्डर, नंबर थ्री जजमेंट। ये है वन, 14, 11, 9, 14 और 9। तो बज़ाहिर तौर पे कभी कभी आप इन चीज़ों को देखेंगे ना तो आपको यही लगता है कि भाई सारी एक चीज़ें एक ही चीज़ें हैं, इनमें ना कोई फ़र्क नहीं है। लेकिन जो CPC इनको डिफ़ाइन करता है या जिस तरीके से डिफ़ाइन किया जाता है, अगर आप समझें तो ये तीनों चीज़ें डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें हैं और डिफरेंट डिफरेंट तरीके से इनकी वजाहत की गई है। सबसे पहले देखते हैं वर्ड ऑर्डर को। इसकी जो CPC में डेफिनेशन की गई है या CPC में इसको डिफाइन किया गया है कि फॉर्मल एक्सप्रेशन, फॉर्मल एक्सप्रेशन गिवन बाय अ कोर्ट फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ एनी डिसीशन of court which is not a decree. पहले पहले वर्ड फॉर्मल एक्सप्रेशन को देखें। फॉर्मल एक्सप्रेशन उसको कहते हैं कि जो रिटन हो, साइंड हो और सील्ड हो। द वर्ड फॉर्मल एक्सप्रेशन रिटेन साइंड सील, फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ डिसीजन ऑफ एनी कोर्ट विच इज नॉट अ डिक्री। तो ये ऑर्डर क्या है, आप किसी भी केस में चले जाएं, जितनी उसकी प्रोसीडिंग्स, जितनी उसकी हियरिंग रखी होंगी, हर हियरिंग पे आपको ना एक ऑर्डर मिलेगा, चाहे उसमें कोई भी कार्रवाई हो डेली की, चाहे एडजर्नमेंट भी आ जाती है ना, तो भी उसका ऑर्डर जो है ना वो जज लिख देता है। वो हमेशा लिखित की फॉर्म में होता है, उसी जज का साइन भी होता है और उसी कोर्ट की सील भी लगी होती है। जो डेली प्रोसीडिंग पे जो डेली कार्रवाई होती है उसके ऊपर जो हुक्म आकाम जारी होते हैं उनको ऑर्डर कहते हैं। वो हमेशा रिटन फॉर्म में होता है और साइन भी होता है और सील भी होता है। तो चलें एंड डिक्री को देखते हैं। ये डेली प्रोसीडिंग्स मतलब 100, 50, मतलब जितनी हियरिंग होंगी उस केस की उतने ही जो है ना ऑर्डर हो सकते हैं। आपकी जो डिक्रीज होती हैं वो या तो एक होती है, अगर एक नहीं होती तो मैक्सिमम उसकी ना दो डिक्रीज होती है किसी भी एक केस की। तो जो वर्ड डिक्री है ये भी कुछ इसी तरह ही डिफाइंड है, फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ एनी एडजुडिकेशन ऑफ एनी कंट्रोवर्सी बिटवीन द पार्टीज। द फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ एनी एडजुडिकेशन of any court between the parties. पहले formal expression को हमने already defined कर दिया है, adjudication, determination of the right of the party. ठीक है, तो ये जो word decree है इसको भी same as formal expression defined किया गया है, just ये जो word adjudication है ये little bit changes हैं, और उसके अलावा ये जो word decree होता है ये conclusive होता है, final होता है। अगर फाइनल ना भी हो तो दो डिक्रीज किसी भी केस में आ सकते हैं। तो डिक्री की जो दूसरा पोर्शन होता है उसको हम प्रिलिमिनरी डिक्री कहते हैं। कि फॉर सपोज भी एक ऐसा केस आ गया है कि जिसमें दो चीज़ें क्लेम की गई हैं कि भाई एक कब्जे के लिए, एक मिनिस्ट्रॉफेट के लिए,
तो जो कब्जा था आपको दिया जाता है, और जो मींस प्रॉफिट है या मींस प्रॉफिट है वो आपको दिया जाता है, जो फर्दर प्रोसीडिंग होती है उनको चलाया जाता है। कोई एक चीज जो है ना आपको पहले दी जाती है तो वो जो है ना पार्शल डिग्री होती है, और जो दूसरा हिस्सा उसी केस का जो चलाया जा रहा है और उसकी जो प्रोसीडिंग्स है फर्दर प्रोसीड कर रही है, तो समझे एक डिग्री आ गई है, उसका जो दूसरा हिस्सा है जिसको प्रोसीड किया जा रहा है तो उसका जो दूसरा हिस्सा है उसकी अलग डिग्री आएगी। तो मैक्सिमम किसी भी केस में किसी भी नेचर की जो लिटिगेशन है उसमें दो डिग्रीज होती हैं, जो पहले डिग्री आ जाती है तो उसको प्रिलिमिनरी डिग्री कहते हैं, जो दूसरी डिग्री आती है तो वो फाइनल डिग्री होती है, और तीसरा है जजमेंट। ये जो जजमेंट है ये जो जब भी आप कोई केस पढ़ते हैं तो हमेशा उसी केस को जब डिसाइड किया जाता है तो सबसे पहले उसका जो पोर्शन रखा जाता है वो जजमेंट का रखा जाता है। जजमेंट किसी भी केस का वाइंड अप होने के बाद जो पूरी का पूरा जो एक्सप्लेनेशन है उसी केस का, भाई एक पार्टीज ये बातें, ये फैक्ट्स हैं, ये एविडेंस हैं, ये आर्ग्यूमेंट्स हैं, और दूसरी पार्टीज की ये फैक्ट्स हैं, ये एविडेंस हैं, ये आर्ग्यूमेंट्स हैं, उनका जो पूरी का पूरा जो एक्सप्लेनेशन होता है वो जजमेंट होता है। और एवरी जजमेंट फॉलोड बाय डिक्री, जो जजमेंट के ग्राउंड होते हैं उन ग्राउंड्स को पकड़ के जो तक एंड तक हम पहुंचते हैं उसको जो है ना डिक्री कहा जाता है। द ग्राउंड्स ऑन व्हिच अ डिक्री इज पास इज कॉल्ड जजमेंट। तो ये था डिक्री, ऑर्डर और जजमेंट, ये तीनों मुख्तलिफ चीज़ें हैं। ऑर्डर डेली टू डेली प्रोसीडिंग्स में होती हैं लेकिन ये फाइनल नहीं होता, और जो डिक्री है ये हमेशा कंक्लूसिव और फाइनल होता है। मैक्सिमम दो डिक्रीज किसी भी केस में हो सकती हैं, एक प्रिलिमिनरी एक फाइनल। जो पहले आए किसी चीज़ का एक हिस्सा डिसाइड किया जाए किसी एक चीज़ के बारे में, कोई भी डिक्री पास हो सकती है, फर्दर जो प्रोसीडिंग चलती हैं और उसको जो है ना में डिसाइड की जाती हैं, तो जो पहले आता है उसको प्रीलिमिनरी डिग्री कहते हैं, जो बाद में आता है उसको फाइनल डिग्री कहते हैं, और द ग्राउंड्स ऑन व्हिच अ डिग्री इज पास्ड इज कॉल्ड अ जजमेंट। जो पूरी का पूरा उस केस का जो निचोड़ होता है, जो पूरी की पूरी जो इसकी एक्सप्लेनेशन होती है वो हमेशा जजमेंट में की जाती है, और एवरी जजमेंट इज फॉलोड बाय अ डिग्री। तो ये तीन चीजें थी, और इसका हमेशा जो एमसीक्यूज बनता है या तो इसका जो क्लॉज है वर्ड डिग्री इज डिफाइंड इन क्लॉज डैश ऑफ सेक्शन 2 ऑफ द कोड सिविल प्रोसीजर कोड, और ये भी ऐसे ही। और दूसरी बात जो वर्ड फॉर्मल एक्सप्रेशन व्हिच इज कंक्लूसिव, फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ एनी कोर्ट व्हिच इज कंक्लूसिव इज कॉल्ड अ डिक्री, ऑर्डर और जजमेंट। इसी तरह भी इसका एमसीक्यूज बन सकता है, द फॉर्मल एक्सप्रेशन व्हिच इज नॉट अ डिक्री इज कॉल्ड डैश, the statement which is ground for a decree is called dash. तो ये ऐसे भी MCQs बन सकते हैं। तो ये तीन terms से जो definition clause से हमने उठाई है जो बिल्कुल interrelate कर रही थी एक दूसरे के साथ, चले इनके साथ ही जो है ना दो से तीन टर्म्स ऐसे हैं जो डिक्री और ऑर्डर के साथ और जजमेंट के साथ रिलेट करते हैं। नंबर एक डिक्री होल्डर, और नंबर दूसरा जजमेंट डेप्टर। डिक्री होल्डर और जजमेंट डेप्टर, डिक्री होल्डर उसी बंदे को कहते हैं कि दो बंदे थे जिनके दरमियान कंट्रावर्सी थी, किसी एक बंदे के फेवर में जजमेंट आ गई है, डिक्री आ गई है, जिस बंदे के फेवर में, इन हुज फेवर the decree is passed
इन हूज फेवर द डिक्री इज पास कॉल्ड डिक्री होल्डर, जिसके हक में या जिसकी फेवर में डिक्री पास की जाती है या जिसको कुछ अवार्ड किया जाता है किसी भी मसले में, तो उसको हम डिक्री होल्डर कहते हैं। और जिसके खिलाफ, दो बंदे थे उनके दरमियान कोई कंट्रावर्सी चल रही थी, एक के फेवर में जजमेंट आ गई है, एक के फेवर में डिक्री आ गई है, और जिसके खिलाफ जजमेंट या डिक्री आ जाए, जिसके खिलाफ जजमेंट या डिक्री आ जाए, इन हूज अगेंस्ट जिसके हक में डिक्री या जजमेंट आ जाए उसको हम जजमेंट डिक्री होल्डर कहते हैं, और जिसके अगेंस्ट में, जिसके खिलाफ जजमेंट या डिक्री आ जाए तो उसको हम कहते हैं क्या, जजमेंट डेप्टर। इनके डेफिनेशन में से अगर कोई एमसीक्यूज बनता है तो इन हूज फेवर द डिक्री इज पास कॉल्ड डैश, इन हूज अगेंस्ट द जजमेंट और डिक्री इज पास कॉल्ड डैश, इसी तरह के एमसीक्यूज बन सकते हैं। और फर्दर इंशाल्लाह कल इसी सेक्शन 2 को हम कंटिन्यू करेंगे। दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच।